शुभुदी राजा हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसा चल रहा है अंदर काउंटिंग और क्या लगता है? काफी नजदीक है सर, मुझे तो रिजल्ट बताने आपसे अपडेट लेने आया हूँ मैं। जी जी, क्या अपडेट चल रहा है जी, मुझे आप बता दें। अभी आप 11,000 पीछे चल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, कौन से राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? 3 से 4 राउंड हुए सर। क्या लगता है सर, जीतेंगे? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है जीतेंगे। कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, वो हमें भी पता है, लेकिन चुनाव जीतेंगे। करनाल और पानीपत की जनता अहंकारी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीतने जा रही है। क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? कार्यकर्ता तो इंतजार में है दिवानशु बोधी राजा जो है वो लगातार यहाँ पहुँचे हुए हैं और समय तस्वीरें आपको सीधी और लाइव और एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ कड़ी टक्कर के साथ जो मुकाबला है वो यहाँ चलता हुआ दिवानशु बोधी राजा और इस समय देख सकते हैं बातचीत करते हुए, क्योंकि लगभग 11,000 से वो अभी पीछे चल रहे हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। उनका ये कहना कि हर हाल में जो है हम विजय प्राप्त करेंगे और लगातार समय तस्वीरें। सर किस तरीके से देखते हैं, कितनी मेहनत आप कर पाए, कितना समय आपको मिल पाया? मुझे लगता है कि थोड़ा समय इंतजार किया जाए, उसके बाद जरूर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए हैं, चुनाव फाइट के अंदर है और चुनाव हम जरूर जीतने जाएंगे। और हरियाणा में 50-50 हो चुका है, 5-5 बहुत जल्द 10-0 भी होगा। कांग्रेस 10 गठबंधन सीटें, महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, 10 सीटें जीतने जाएगी और बीजेपी शून्य करेगी। सर अब तक के नतीजों से कार्यकर्ता कुछ थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं? नहीं, ऐसी मायूसी वाली कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और पूरी उम्मीद है कि जब अंतिम राउंड के नतीजे आएंगे, बैलेट पेपर के नतीजे आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। एग्जिट पोलों के नतीजों से क्या कहेंगे सर? मैंने देखे नहीं जी एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। जो 2 दिन पहले आ रहे थे वो गोदी मीडिया के नतीजे हैं, अब तो मतगणना शुरू हो गई है, अब तो एग्जिट पोल का रेलेवेंस ही नहीं है, तो क्योंकि राउंड बाय राउंड रिजल्ट आ रहा है तो एग्जिट पोल का कोई रेलेवेंस नहीं। दिवानशु बोधी राजा इस और इसमें तस्वीरें आपको सीधी और एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ यहाँ देखते हुए चेक करते हुए क्या रणनीतियाँ हैं, कहाँ से वो और लाइव तस्वीर काउंटिंग स्थल है और काउंटिंग स्थल से इस समय आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिवानशु बोधी राजा और लगातार लगभग 11,000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना कि हम हर हाल में जो है इलेक्शन जीतेंगे। ये तस्वीरें काउंटिंग स्थल और ये है दिवानशु बोधी राजा, अभी वो यहाँ से जी। अभी 11,000 से कितने राउंड आ गए? 6 कंप्लीट आ गए। हाँ वो कंप्लीट आ गए, दिखाना है कि वो रिजल्ट पड़ा है।